दोस्तों, ऑनलाइन फंड ट्रांसफर करने के लिए आप NEFT का यूज करते थे तो आपके लिए खुशखबरी है, जहां पर NEFT को अब 24 घंटों 7 दिन के लिए अवेलेबल कर दिया गया है। जैसा कि आप जानते होंगे, हमारे पास कुछ ऑनलाइन फंड ट्रांसफर के लिए कुछ 3-4 ऑप्शन मेन होते हैं, जैसे कि हमारे पास IMPS, RTGS, NEFT और UPI का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पर IMPS और UPI तो हम कभी भी 24 घंटे 7 दिन यूज़ कर पाते थे, लेकिन यहाँ पर RTGS और NEFT के लिए हमें वेट करना पड़ता था वर्किंग आवर के लिए। जैसे कि आप जानते होंगे, NEFT हमें सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 6:30 बजे तक ही कर पाते थे, और यहाँ पे हमारे पास कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी थे, जैसे कि बैंक चालू होगा, नेशनल हॉलीडे हो या तो फिर सैटरडे संडे कोई हॉलीडे हो, तो हम यहाँ पे NEFT को यूज़ नहीं कर पाते थे। और कमर्शियली अगर हम बात करते हैं, जैसे कि करंट अकाउंट होल्डर ज़्यादातर NEFT ही करते थे, और NEFT के लिए उन्हें वेट करना पड़ता था, टाइमिंग देखना पड़ता था, लेकिन अब यहाँ पे NEFT को RBI ने टोटली 2400 घंटे 7 दिन के लिए अवेलेबल कर दिया है। मतलब सालों भर अब ये आपको कभी भी जब भी चाहे NEFT का यूज़ करके किसी भी को भी पेमेंट सेंड कर सकते हैं या तो फिर रिसीव कर सकते हैं। यहाँ पे RBI ने कुछ और भी अपडेट बताया, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि जनवरी 2020 तक हम कोशिश करेंगे कि NEFT का जो भी चार्जेस लगाए जाते हैं वो सेविंग अकाउंट होल्डर के लिए ख़त्म कर दिए जाए। तो अब NEFT को यूज़ आप कभी भी कर सकते हैं, और हो सकता है फ्यूचर में हमें NEFT यूज़ करने के लिए किसी भी तरह के एडिशनल चार्जेस ना देने हो। तो वैसे अगर आप IMPS या UPI का यूज़ तो 24 घंटे 7 दिन कर सकते थे, लेकिन RTGS NEFT के लिए आपको रिस्ट्रिक्शन थे, यहाँ पे कुछ टाइमिंग आवर दिए गए थे, लेकिन NEFT को आप 24 घंटे के लिए अवेलेबल कर दिया गया है।